समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कल नहीं डाले, शूट करके सब रखा हुआ है मगर हिम्मत नहीं हो रही है डालने की। हर किसी की लाइफ में माँ बाप से बढ़कर भी एक होते हैं दादा दादी, और दादाजी को तो बचपन से कभी नहीं देखा था मैंने, मगर दादी थी जो कि मतलब पाला उनने, पहला तेल वेल लगाना सब कुछ, जैसे मम्मी लोग बताती हैं कि उन्हीं ने हर चीज़ किया था। हम लोग मेरी लाइफ से तो सबसे ज़्यादा इसलिए जुड़ी हुई थी, बचपन से हम लोग रहे तो नहीं उनके साथ क्योंकि डैडी का ट्रांसफ़र, डैडी एयरफोर्स में थे तो हमेशा ट्रांसफ़र ये सब होते रहता था, कहीं ना कहीं जाते रहते थे हम लोग तो मिल नहीं पाए। मगर ये था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ गई तब जब वो हमारी शादी में, मतलब उनने हाँ कहा था, क्योंकि एक दादी थी जिनने सबसे पहले हाँ कहा था शगुन के लिए। हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, इंटरकास्ट के लिए कोई अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब मेरे घर वाले तैयार थे मगर बाकी और लोग तैयार नहीं थे, तो एक दादी थी जो कि तैयार हुई थी पहले, सबसे पहले। तिलक लगा दी बउआ के पैर पर रखी, पैर पर रखते जाइए, अपने अपने आशीर्वाद दी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर दो, जय मंगलम। और शादी के दिन भी जितना हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, एक दादी थी जो कि खड़ी रही हम लोग के साथ में, पूरी रात खड़ी रही, कोई नहीं था। इवन एक पल तो ऐसा था कि मेरे अपने फादर भी मेरे साथ नहीं खड़े थे, मगर इनकी माँ, मेरी माँ और मेरी दादी, वो मेरे साथ खड़ी रही थी। पूरी शादी में जो 8 बजे सो जाती थी वो भी पूरी रात जगी रही, शादी में पूरी रात जगी रही, और सुबह मुझे हम शगुन को विदा करके ले गई अपने साथ। अरे उसी को थोड़ा सा एक मिनट रुकेगा, मेरे को रुक लीजिएगा, मुझे उठा ले, दोनों का गर्दन टेढ़ा टेढ़ा आएगा तो अच्छा थोड़ा लगेगा। ठीक है इतना शौक था उनको, हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे अभी कि दादी को दिल्ली लेके आएंगे, बड़े भाई की शादी है, शादी करवाएंगे तो उसमें एंजॉय करेंगी, वो बाबू होगा तो होगा होगी जो भी, उस मेरे बच्चे को वो तेल लगाए जैसे हम लोग को लगाया, हम पोता पोती नातिन सबको उनने किया, बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा केयर करती थी। एक ख्वाहिश यही हमेशा, मैं शगुन को यही बोलता था कि शगुन दिल्ली पक्का लेके आएंगे, उनको यहीं पे रखेंगे अब, और वही हर जगह घुमाएंगे, बेचारी कहीं पे भी घूम नहीं पाई। एक बार पहले भी आई तो जितना हो सके 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आई थी, दिल्ली घुमाया था। इस बार भी प्लान किया हुआ था कि कोरोना खत्म होगा तो वो बाद में आएंगी, तो जहाँ जहाँ उनका मन करेगा ले जाएंगे, लेकिन एक बार पता नहीं था कि अच्छी सा दिल्ली। एक बार इंडिया गेट गई थी और बेचारी इंडिया गेट पे जाके बोलती क्या दिखाने लाए हो, क्या है क्या, और वो इंडिया गेट का जो गेट होता है ना उसको क्रॉस कर गई और कह रही, मतलब मगही में बोल रही हूँ क्या ऐसे कह रही है, कौची दिखावे लगी लाए हो रही ऐसे। तो मैं इतना हंसी थी उनके सामने, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब मैं भी आई थी डेली घूमने के लिए तो उनके साथ घूम रही थी। बहुत हम लोग से अटैचमेंट, बहुत मतलब पास तो नहीं रहते थे, साथ नहीं रहा उन लोग के, हम लोग कभी साथ नहीं रह पाए, क्योंकि शगुन को तो इसलिए भी मानना था, शगुन की अपनी दादी की भी शादी से पहले ही वो भी चल बसी थी, तो अभी हम लोग बस सोच ही रहे थे कि 2-3 महीने में शगुन के जब बेबी होगा तो हम अम्मा को लेके आएंगे, अम्मा रहेंगी साथ में, बहुत मतलब उनको बहुत ख्वाहिश थी कि उनका पोता पोती की शादी हो, और एक पोती की शादी देख ली, बच्चा भी हुआ उनको उसको, और
दादी थी, मगर दादी एक होता है ना कि पोता से पोता का बच्चा होता है तो उससे एक होता है, उनमें पुराने लोगों में होता है, कहते हैं सोने की सीढ़ियां चढ़ती हैं। को बहुत शौक था, रोज फोन करती थी, रोज पूछती थी, इवन एक दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, सब कुछ सही था। चार जनरेशन देख ली, पांचवा देखती, मगर वही था कि बहुत समझ नहीं आ रहा था यार कि क्या बनाए क्या करे। वीडियो शूट करके सारी रखी, जस्ट हम लोग वीडियो अपलोड करने ही वाले थे उसी वक्त न्यूज़, दोपहर दो बजे अपना आता है तो वीडियो जैसे अपलोड करने वाले थे तब तक एक डेढ़ बजे के करीब में ही फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है। हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे वक्त में कुछ अपना वीडियो भी अपलोड करे, आप लोग को कुछ भी दिखाए। बहुत बहुत ज्यादा उस वक्त लगने लगा, अभी भी बस ये अपलोड करने का यही एक कारण है। आप लोग फैमिली हैं, आप लोग को भी हम लोग चाहते थे कि हर चीज़ पता रहे, बताएं आप लोग को भी। मम्मी डैडी गए हैं बस पटना, क्योंकि अभी हो सकता है कि दो चार दिन तक अल्टरनेट वीडियोस ही अपलोड हो। हाँ। कभी सिचुएशन ऐसा है नहीं कि जो जितना शूट किया है उसी को हम लोग डालेंगे, और जैसा लगे आप लोग को, पसंद आए ना आए, लंबी हो क्या हो पता नहीं यार, जो भी हो बस अब अभी वही डलेगा। और बस ये कहूँगा कि बस उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जहाँ हो बस सही रहे, आशीर्वाद अपना बनाए रखे सब पे। थोड़ा बहुत हम लोग उनका पटना से भी जो आएगा वीडियो, मम्मी डैडी ये लोग से देंगे। मैं भी बहुत जाने का मन था हमारा भी वहाँ पे, मगर शगुन की कंडीशन की वजह से नहीं जा सकते थे, अभी ट्रैवल इसका करना सही नहीं है, तो देख लीजिए फिर मिलते हैं।